बेजबॉल के कारण हारी इंग्लैंड टीम, क्या आप जानते हैं बेजबॉल क्या है? नहीं। अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 106 रन से जीत दर्ज कर ली है। इस जीत से सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। विशाखापट्टनम में इंग्लिश टीम को अपने ही बेजबॉल अप्रोच के कारण हार का सामना करना पड़ा। बेसबॉल आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति है जिसे इंग्लिश टीम के चीफ कोच ब्रेंडन मैकुलम के निकनेम बेस पर बनाया गया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तीसरे दिन के खेल के बाद एंडरसन ने कहा था, हम वैसे ही खेलेंगे जैसे हम पिछले 2 साल से खेल रहे हैं। हम जीते या हारे यह मायने नहीं रखता क्योंकि हम हर मैच को जीतना चाहते हैं, फिर टारगेट 600 रन ही क्यों ना हो। 399 रन का टारगेट चेज करते हुए ओवर एग्रेसिव अप्रोच, इंग्लिश टीम ने चौथे दिन 67/1 के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम के बल्लेबाज पहले सेशंस में ओवर एग्रेसिव दिखे। टॉप और मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने क्रीज पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, इस कारण टीम ने लगातार विकेट गंवाए। चौथे दिन लंच तक इंग्लिश टीम का स्कोर 194/6 रहा। लगातार विकेट गंवाए लेकिन बैटिंग अप्रोच नहीं बदली। इंग्लिश की टीम ने मुकाबले में लगातार विकेट गंवाए लेकिन अपनी बैटिंग अप्रोच नहीं बदली। चौथे दिन के सेशन में भी यही हाल रहा। टीम ने इस सेशन में 28.4 ओवर में 127 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए। इसी कारण से दोस्तों इंग्लिश टीम हारी है। कमेंट करें आपको क्या लगता है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।